बिग बॉस के घर में टीना दत्ता और शालिन भनोट के बीच एक बार फिर प्यार के फूल खिलते नजर आ रहे हैं। हाल ही में बिग बॉस के घर में शालिन का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान टीना ने एक्टर के लिए बेहद स्पेशल और रोमांटिक सरप्राइज प्लान किया था, जिसे देख फैंस भी हैरान रह गए। टीना ने शालिन के बिस्तर को गुलाब की पंखुड़ियों से पूरा ढक दिया। फूलों से उनके बेड को सजाकर उस पर HBD यानी हैप्पी बर्थडे लिखा था। ये देखकर शालिन काफी खुश हुए। इसके अलावा टीना ने शालिन के लिए सूजी का हलवा भी बनाया, जिसके बाद टीना और शालिन रोमांटिक होते भी नजर आए। शालिन ने टीना से अपने दिल की बात भी कही। वो टीना का हाथ पकड़कर प्यार से समझाते नजर आए। शालिन ने कहा, हम मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं, हम नए हैं और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। हम दोनों डरे हुए हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को एक और मौका देना चाहता हूँ। एक तरफ टीना ने शालिन को प्यारा सा तोहफा दिया, तो वहीं बिग बॉस ने भी शालिन की एक इच्छा पूरी की। उन्होंने बर्थडे बॉय शालिन को कन्फेशन रूम में सरप्राइज के तौर पर उन्हें चिकन देकर चौंका दिया। ये तो सभी जानते हैं कि शालिन को चिकन बहुत पसंद है। टीना और शालिन दोनों ही एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार कर चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि शालिन और टीना जानबूझकर क्लोज आते हैं ताकि उन्हें लाइमलाइट मिल सके। बिग बॉस के सीजन में कई बार ऐसा हो चुका है कि शालिन और टीना ने एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी शेयर की है। वो अब नए सिडनास बनने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद खान भी टीना से कहते दिखे कि उन्हें विश्वास है कि शालिन कभी भी उन्हें दुखी नहीं करेगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि वो तुम्हें हमेशा खुश ना रखे, जिस पर जवाब देते हुए टीना ने कहा, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। इससे पहले शालिन ने टीना को अपनी रिंग भी पहनाई थी, जिसके बाद से ये खबर उड़ी थी कि दोनों ने अपना रिलेशनशिप कन्फर्म कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी दोनों यही कहते दिखे कि वो अच्छे दोस्त हैं। बता दें कि सौंदर्या शर्मा, गौतम विज, शालिन भनोट और टीना दत्ता घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए हैं। नॉमिनेशन प्रक्रिया के बाद से ही चारों सितारे सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं, जहां लोग गौतम और सौंदर्या को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग टीना दत्ता को शो से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।